अमित शाह बोले 370 हटाने से पहले की तरह अब पीओके वापस लेने के लिए डरा रही है कांग्रेस। होम मिनिस्टर बोले मोदी सरकार के शासनकाल में खुद भारत में शामिल होना चाहते हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग। भाजपा के चाणक्य ने 4 जून को प्रदेश की कांग्रेस तथा सुक्खू सरकार के गिरने का भी दावा किया। हमीरपुर व कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में हुई रैलियों में लोकसभा की चारों सीट के साथ साथ 6 असेंबली बाई इलेक्शन जिताने का भी आग्रह किया। अमित शाह ने भाजपा की 400 सीट आने का दावा करते हुए कहा इस बार 40 पर सिमट जाएंगे राहुल बाबा। इंडिया लाइंस का पीएम कैंडिडेट तय न होने पर तांज कसते हुए कहा 6 को बैंकॉक जाने वाले हैं बाबा। शाह बोले 370 हटाने से पहले खून की नदियां बहाने का डर दिखाने वाली कांग्रेस अब पीओके वापस लेने के लिए दिखा रही है पाकिस्तान के परमाणु बम का डर। भाजपा के चाणक्य कहलाने वाले होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि जिस तरह मोदी सरकार ने कभी असंभव कहे जाने वाले कश्मीर से धारा 370 हटाने पर राम मंदिर निर्माण जैसे काम को संभव कर दिखाया, ठीक उसी तरह पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी भारत में मिलाने का काम किया जाएगा। शाह ने कहा कि 370 हटाने से पहले खून की नदियां बहने की बात कहने वाले राहुल बाबा व अन्य कांग्रेस नेता पीओके वापस लेने के लिए अब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम होने की बात कह रहे हैं। शाह ने कहा कि हम मोदी के कार्यकर्ता हैं और किसी भी तरह के बम की परवाह नहीं करते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से खौफजदा रहने वाली कांग्रेस की सरकारों के शासनकाल में जहां बार बार पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा भारत पर हमले किए जाने के बाद डोजियर सौंपे जाते थे, वहीं अब पाक की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक व एयर स्ट्राइक की जाती है। अमित शाह ने कहा कि भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने, मुफ्त राशन, किसान सम्मान, आयुष्मान भारत व उज्ज्वला गैस कनेक्शन जैसी योजनाएं चलाने वाली मोदी सरकार के शासनकाल से प्रभावित होकर आज पाकिस्तान के कश्मीर के कब्जे वाली जनता खुद भारत में मिलने की मांग कर रही है और यह मामला उनके संज्ञान में है। हिमाचल की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार द्वारा महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 500,000 नौकरियां न दिए जाने तथा 300 यूनिट फ्री बिजली व 2 रुपए किलो गोबर न खरीदे जाने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पहले की सरकार द्वारा चलाए गए संस्थानों पर ताले लगाने वाली कांग्रेस की ये सरकार 6 विधानसभा हलकों में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद डाडा डाडा फीस होकर गिर जाएगी। अमित शाह ने ऊना के अम्ब में जहां हमीरपुर से बीजेपी कैंडिडेट एवं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के समर्थन में भारी मतदान की अपील की, वहीं कांगड़ा से भाजपा प्रत्याशी राजीव भारद्वाज के समर्थन में धर्मशाला में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी द्वारा 23 साल से छुट्टी न लिए जाने का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के 2 दिन बाद ही राहुल बाबा बैंकॉक जाने वाले हैं। उन्होंने राहुल व प्रियंका गांधी वाड्रा के अयोध्या में 500 साल बाद बने भव्य राम मंदिर में दर्शन न करने के पीछे रोहिंग्या मुसलमानों के वोट लेने की सियासत को कारण बताया। गौरतलब है कि इससे पहले कल जहां खुद प्रधानमंत्री मोदी शिमला व कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में विशाल जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं, वहीं आज बीजेपी के चाणक्य व फायर ब्रांड नेता कहलाने वाले अमित शाह ने सूबे की अन्य 2 सीटों पर मोर्चा संभाला। भाइयों बहनों, सबसे पहले चिंतपूर्णी माँ को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। 5 चरण का चुनाव हो चुका है, आज 6ठे का वोटिंग चालू है। 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं, 310। और एक 6ठे और 7वें ने 400 पार कराकर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। इस 7वें चरण वालों पर 400 पार की जिम्मेदारी है, याद रखना। भाइयों बहनों, हमारा तो 400 पार हो रहा है, राहुल बाबा फिर एक बार 40 के नीचे सिमट रहे हैं, 40 के। अगर कमल फूल की सरकार बनानी है ऊपर और नीचे दोनों जगह, हमारे चारों प्रत्याशियों को जिताना है, ये याद रखना भाई। हमीरपुर वालों, दिया लेकर भी ढूंढोगे ना तो ऐसा सांसद नहीं मिलेगा, याद रखना मेरी। और विशेषकर देश भर के युवाओं को भाजपा के साथ लामबंद करने का काम हमारे अनुराग ठाकुर ने किया।
10,000 करोड़ से किरतपुर नहर चौक फोर लेन रोड, 1300 करोड़ से हमीरपुर मंडी खंड का चौड़ीकरण, 1200 करोड़ से धर्मपुर मंडी हाईवे, 870 करोड़ से लठियाणी मनली पुल बनाया, 350 करोड़ से कंदोर हमीरपुर का चौड़ीकरण, 1000 करोड़ से बिलासपुर लेह रेलवे लाइन, 2000 करोड़ से बल्क ड्रग पार्क लाकर पूरे हिमाचल का विकास का काम, 1500 करोड़ से बिलासपुर में एम्स, ऊना में पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर, जोलसप्पड़ में नई मेडिकल कॉलेज, देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटी ऊना में, विलासपुर में पूरे देश का एकमात्र हाइड्रो इंजीनियरिंग का कॉलेज बनाने का काम किया। मैं आज बताता हूं, इंदिरा गांधी के जमाने से देवभूमि वीर भूमि के रिटायर्ड सेना के जवान, सर्विंग सेना के जवान, उनके परिवार वन रैंक वन पेंशन मांगते थे, राहुल बाबा आपने नहीं दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही 1,20,000 करोड़ रुपया सेना के जवानों के खाते में ट्रांसफर। एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम मंदिर को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। ये राहुल बाबा और उनकी बहन शिमले में छुट्टियां मनाने तो आते हैं, मगर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए मालूम है माताओं बहनों? क्यों नहीं गए? वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। हिमाचल वालों, उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है? आप नहीं हो, ये रोहिंग्या घुसपैठी है उनकी वोट बैंक है, रोहिंग्या घुसपैठी। उनसे डर कर नहीं गए। मुझे बताओ आप हमीरपुर वालों, जो राम की प्राण प्रतिष्ठा में न जाए इसके साथ हिमाचल रह सकता है क्या? जोर से बोले, रह सकता है क्या? 130 करोड़ का देश है राहुल बाबा, ऐसे नहीं चलता। मुझे बताओ, ये बारी बारी प्रधानमंत्री का फॉर्मूला आया तो कोई पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है क्या? जोर से बोलो, दे सकता है? कौन दे सकता है? भाइयों बहनों, कोरोना जैसी महामारी का सामना कौन कर सकता है? चंद्र पर चंद्रयान कौन पहुंचा सकता है? युवाओं को स्टार्टअप से आगे कौन बढ़ा सकता है? 60 करोड़ गरीबों को घर में उजाला कौन पहुंचा सकता है? आतंकवाद कौन समाप्त कर सकता है? नक्सलवाद कौन समाप्त कर सकता है? अगर सभी कुछ मोदी जी कर सकते हैं तो प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? जोर से बोलो, कौन बनना चाहिए? भाइयों बहनों, ये 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार कर देश का प्रधानमंत्री बनने निकले। मुझे किसी जर्नलिस्ट ने इनका 6 तारीख का कार्यक्रम भेजा है, काउंटिंग समाप्त 4 को, 6 को राहुल बाबा बैंकॉक के लिए रवाना। भाइयों बहनों, एक और हर 6 महीने में वैकेशन करने वाले राहुल बाबा है तो दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर सेना के जवानों के साथ सरहद पर मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी।
और एक कांग्रेस वालों को यहां के मुख्यमंत्री की वादा खिलाफ ही महिलाओं को 1500 रुपया देना था, मिला क्या? जोर से बोलना, मिला क्या? 5 लाख नौकरी में से 2 लाख मिल जानी थी, मिली क्या? 300 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है। गाय का गोबर 2 रुपये किलो खरीदने वाले थे, खरीदते और ये वादा खिलाफी करने वाले, घोटाला बाजी करने वाले, ताला लगाने वाले सिर्फ हमीरपुर में स्वारघाट, बलसिना, लंबलू 3 कॉलेज बंद कर दिए, 1.5 साल में बंद कर दिए। भाई सरकारें कॉलेज खुलवाने के लिए होती है या बंद करने के लिए? हमारे साथ तो जो साथी आए उन्होंने इस्तीफा दिया है लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर, और मोदी जी का नेतृत्व स्वीकारा है, जनता उनको फिर से चुनने वाली है, और ये 6 साथी चुनते ही आपकी सरकार कडड़भूस होने वाली। जय श्री राम। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, मन से बताना, हाँ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी हमें डरा रही है, वो कह रहे हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। मैं आज कांगड़ा की भूमि से कहकर जाता हूं, राहुल बाबा हम मोदी जी के कार्यकर्ता है, एटम बम से नहीं डरते, नहीं डरते। कांगड़ा वालों मेरी बात याद रखना, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम उसको लेकर रहेंगे, लेकर। एक कांग्रेस पार्टी को डराने की आदत लगी है। मोदी जी जब धारा 370 हटा रहे थे, मैं बिल लेकर पार्लियामेंट में खड़ा हुआ, राहुल बाबा खड़े हो गए और बोले 370 मत हटाइए। मैंने कहा क्यों ना हटाए भाई? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। राहुल बाबा 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। कंकर मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया, मोदी जी ने इस देश से नक्सलवाद को समाप्त किया। भाइयों बहनों, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र, और करने वाला चाहिए भाई, करने वाला होता है तो कैसे काम होता है। अपने कश्मीर के अंदर गोलीबारी होती थी, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में गोलीबारी होती है। पहले हमारे यहां आजादी के नारे लगते थे, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर कहता है कि हमें भारत में जाना है। ये मोदी जी का चमत्कार है। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है, और वहां पर आटा 300 रुपये किलो मिल रहा है, 300 रुपये किलो।